हेलो और गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? पहाड़ों में एक नया दिन जो है शुरू हो चुका है और अभी दिन के जो है 11 बज रहे हैं, तो आज संडे भी है। तो संडे के दिन जो है सबसे बड़ी बात यह है कि धूप नहीं है। तो सडनली कल रात को ऐसा हुआ कि मुझे रात भर नींद नहीं आई और मेरा प्लान ये बना कि मैं आज जो है घर जाऊँगा। तो मैंने सोचा है कि एक हफ्ते तक अब सीधे घर ही में रहूँगा, उसके बाद ही श्रीनगर आऊँगा। बाकी कॉलेज तो देखा जाएगा, जो होगा वो होगा, लेकिन अभी घर जाने का मन है तो घर जाता हूँ। और आज का ब्लॉग जो है यहीं से शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह काम में व्यस्त होंगे। तो आपको सुबह का नज़ारा दिखाते हैं कि सुबह कैसा हो रहा है श्रीनगर में। ये है मॉर्निंग व्यू और लोग जो है सुबह सुबह निकल जाते हैं, तो हम भी निकले हैं अपने घर के लिए और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो फाइनली अभी मैं श्रीनगर बस अड्डे के पास पहुँचने वाला हूँ और सामने वहीं से है, मतलब श्रीनगर बस अड्डा है जहाँ से मुझे गाड़ी मिलेगी घर के लिए। और मैं सर्च करूँगा एक बस जो मतलब रुद्रप्रयाग तक कहीं भी जाएँ, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पहुँचना चाहता हूँ अभी, क्योंकि घर गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। और मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा रास्ते में, क्योंकि आपने ये रास्ते बहुत देखे हुए हैं। और सीधे ब्लॉग को खींच कोशिश करूँगा कि घर भी इसमें आ जाए, मतलब घर तक का ब्लॉग जो है एक साथ हो जाए, तो वही कोशिश करता हूँ। और सामने तो बहुत सारी बसें लगी हुई हैं, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले वहीं पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ की बस लगी हुई है और कौन सी बस में मुझे चढ़ना है उस हिसाब से। आपको दिखाई दे रहा है यह है श्रीनगर का डैम, सामने ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे काम भी चल रहा है शायद किसी वजह से जो है ये ट्रैफिक जाम लग गया और सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने को रुके हुए हैं। तो हम भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और देखते हैं, सामने से तो ट्रैफिक खुल गया है लेकिन यहाँ से गाड़ी चली जाएगी तो यहाँ की गाड़ी पास होगी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और आज के जो ट्रिप है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आज पहली बार मैं यहाँ पे रुक के जो है आपको श्रीनगर का डैम दिखा रहा हूँ फर्स्ट टाइम पे। गाड़ी मिलने की जो खुशी होती है और उसके बाद जो घर जाने की खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। तो अभी मैं बस में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर बैठ के जो है आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और काफ़ी टाइम बाद जो है मतलब एक दो महीने बाद मैं घर जा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखते हैं कि मैं जो मम्मी का रिएक्शन रहता है ना वो कैसा रहता है और वो सभी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि हमें जो है आपका घर अच्छा लगता है, आपका गाँव अच्छा लगता है, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ब्लॉग जो आने वाले हैं ना वो लगातार कुछ दिनों तक घर से आने वाले हैं, चाहे मुझे मेडिकल लीव लेके लीव ले घर में रहना पड़े, लेकिन एक हफ्ता मैं घर में स्पेंड करूँगा अपना। और एक हफ्ते के लिए ना बस ब्लॉग बनाऊँगा घर के, और घर का जो मौसम होगा वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि घर में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है और बर्फ़ भी गिरने के चांसेस हैं। बर्फ़ चाहते तो फिर गिरी होगी, लेकिन अगर नहीं गिरी होगी तो फिर भी देखेंगे कि गिरी है नहीं गिरी है, और सब चीज़ आपको दिखाएँगे। के लिए निकलेंगे तो अभी जो यहाँ से निकले ही हैं जस्ट। और तिलवाड़ा मार्केट भी काफ़ी खूबसूरत बाज़ार है, वैसे तिलवाड़ा जो है वो छोटा बाज़ार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है आसपास के गांव का एक ही ये बाज़ार है, तो यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा
साफ सुथरा है। तो यहाँ से जो है निकलना स्टार्ट हो गया है, तो आप सीधे यहाँ से अगस्त्यमुनि के लिए निकलते हैं और अगस्त्यमुनि पर पहुँच के फिर चंद्रमुनि पहुँचते हैं। अभी हम पहुंचे हैं सॉरी चंद्रापुरी पे, और यहाँ पे जो है ठंड बहुत ज़्यादा है गांव के मुकाबले, मतलब यहीं से ठंड इतनी ज़्यादा होनी स्टार्ट हुई है। तो मतलब गांव पे जो है ठंड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, यहीं से हालत ख़राब हो गई है। देखते हैं कि घर में जो मौसम है वो कैसा है और उसका हम उम्मीद करते हैं, फिर भी अगर अच्छा होगा मौसम तो मज़ा आएगा, लेकिन ज़्यादा ठंड होगी तो हालत ख़राब होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, गाड़ी दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है। गाड़ी लगी हुई है वो सामने है केशव भाई की, और उसी में है। तो केशव भाई यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और अब कुछ देर यहाँ इनका वेट करना पड़ेगा, फिर जो है जब भी ये चलेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे हम आगे के लिए, यानी अपने गाँव के लिए। तो तब तक वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या होता है और कितना टाइम हम पे लगता है। और आजकल ट्रैवलर्स जो है चोपता घूमने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फाइनली काफ़ी टाइम बाद जो है घर पहुंचे हैं, और घर पहुंचने की खुशी जो है वो अलग ही है। यहाँ से आज मतलब इतना लॉन्ग टाइम बाद गांव को देख रहा हूँ ना, मतलब लॉन्ग भी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन होता है ना उस टाइम पे शादी में था, तो शादी में ही बिजी था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब शादी में बिजी था दोनों दिन, और तीसरे दिन में निकल गया था, तो गाँव में घूमने का वगैरह का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि उस दिन मैं मेहंदी को शाम को पहुंचा था, शाम भर जो है पूरी शाम को मेहंदी में रहा। उसके बाद जो है मेहंदी में रहने के बाद उसके बाद मैं अगले दिन जो है सगाई में चला गया था। तो होता है ना कि जब ऐसा होता है फिर उस टाइम पे टाइम नहीं लगता है। और ये यहाँ पे पल्सर आई, तो सोच रहा हूँ किसी को घूमने चला जाए जाया जाए, तो इनको बोलते हैं कहीं घूमने के लिए प्लान बनाते हैं जो भी होता है। फिर अभी जो है आपको सबसे पहले तो गांव दिखाता हूँ, काफी लॉन्ग टाइम बाद है ना। यह है वही रोड, और थोड़ा इसके जो हाल है ना बुरे हो रखे, और गांव में जो ठंडा हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और यह है मेरा गांव इधर, और शायद गांव में जो है बच्चे वगैरह होंगे या नहीं होंगे तो गांव में जाके कुछ पता चलेगा। वैसे मुझे तो लग नहीं रहा गाँव में कोई होगा जिसके साथ मैं इधर उधर घूम पाऊँ। वैसे भाई दिखी है बहने, बबलू चाचा घर आए हैं, मेरा चाचा, तो उनके साथ घूमने जा सकता हूँ। और ये देखो गाँव और मौसम देखो कैसा हो रखा है, बिल्कुल बहुत ही भयानक जो है मौसम है। तो फाइनली पहुँचे हैं गाँव के पास है, और यहाँ पे देखो सरसों जो है उस पर फूल लगने स्टार्ट हो चुके, तो उसके बाद के सरसों तो याद ही है हमें, लेकिन इस बार जो है काफ़ी कम सरसों हुई है। और मैं आया खेत वाले रास्ते से और घर पे चल रहा है, घर पे कुछ तो चल रहा है मेरे, देखते हैं क्या चल रहा है, घर वाले क्या बोलते हैं वो भी पता चलता। कल ही श्रीनगर में मतलब कल तक श्रीनगर में मौसम इतना अच्छा था बिना टोपी के चलता था, और घर में जो है टोपी की आवश्यकता का पता चल रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंट है। पैरों में मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और अभी जो है थोड़ा गांव में घूम के आते हैं यार, अब काफ़ी टाइम बाद गाँव में आए हैं तो घूमना तो गाँव में बनता ही है, और ठंडा इतना हो गया मैंने हाईनक वगैरह इनर उनर सब पहन लिया भाई, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और मैं यहाँ पे इसीलिए आया था, सबसे पहले तो मैं रास्ता देखने आया था कि रास्ता कैसा बनाया है, और रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया है और आपको भी दिखाते हैं। पहले तो आगे चलते हैं ताऊ जी के यहाँ पे रास्ते का काम, यहाँ से जो है पूरा ये नया बना है, पहले टूट गया था यहाँ पे, तो पूरा ढंग से एकदम अच्छा फर्स्ट क्लास बना है। चलो ये काम भी हो गया, काफ़ी अच्छा बना है, नीचे से फाउंडेशन डाल के ठीक बना है, अच्छा बना है। और नीचे नदी है, तो नदी में आजकल बिल्कुल पानी कम हो गया है, बाकी ऊपर तो बर्फ़ पड़ने की नौबत आ गई है, जैसी बारिश होती है वैसे गिरती है। ताऊ जी को मिल के आते हैं।